सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दादा भाई टेक चैनल पर, टेक की बातें कभी और पॉलिटिक जा रही रियलमी की तरफ से। रियलमी क्यू सीरीज वाले फोन देखने को मिल सकते हैं, रियलमी क्यू थ्री, रियलमी क्यू थ्री फोर, ये दोनों फोन आपको 22 अप्रैल को देखने को मिल सकता है चाइना में। इसमें आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी वाला 1100 वाला प्रोसेसर देखने को, बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ ये फोन दोनों ही फोन लॉन्च होने वाले। ये 5GB रेट वाले फोन है जो डायमेंसिटी सीरीज के साथ देखने को मिल सकता है, पहले चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में देखने को मिल सकता है। दूसरे टिप जो है रेडमी की तरफ से, रेडमी का जो गेमिंग फोन लॉन्च होने वाला है उसमें जो डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ देखने को मिल सकता है। इसमें साथ ही आपको 144 हर्ट का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकती है। ये फोन पहले चाइना में लॉन्च होगा उसके बाद इंडिया में देखने को मिल सकता है। इंडिया में ये पोको F2 के नाम से देखने को मिल सकता है, बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ ये फोन लॉन्च होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 25,000 के बीच में देखने को मिल सकता है रेडमी का जो गेमिंग फोन लॉन्च होगा। इंडिया में भी वही पोको F2 जो लॉन्च होगा वही 25,000 के रेंज में देखने को मिला, तो बेहतरीन फोन हो सकता है ये प्राइस रेंज के साथ। तीसरी टेक्नोलॉजी जारी वारी पोको की तरफ से, पोको M2 रीलोड, जो पोको M2 था उसी का रीब्रांड, मतलब कुछ में कमी करके, मतलब उसको 4G वाला वेरिएंट बना के इसको लॉन्च कर रहे पोको M2 रीलोड, जिसमें आपको 4G वेरिएंट वाला देखने को मिल सकता है, बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ ये फोन जल्दी ही आपको 21 अप्रैल को देखने को मिल सकता है। आज चौथे टुकड़े जा रही इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले जो आज इंडिया में लॉन्च हो गया, इसकी कुछ प्राइस रेंज कुछ 9000 के बीच में देखने को मिला है। इसमें आपको हीलियो G35 वाला प्रोसेसर देखने को, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, बैक की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप देखने को, फ्रंट की तरफ एक कैमरा देखने को, बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ ये फोन बजट रेंज वाला फोन है जो आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले की तरफ से। पांच टुकड़े जा रही सैमसंग गैलेक्सी EM32, इसका दो फोन देखने को मिल सकते हैं, 5G वेरियंट वाला, 4G वेरियंट वाला, दोनों ही फोन बेहतरीन प्राइस रेंज के साथ ये फोन लॉन्च होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं हो जाए, इसमें से कहा जा रहा है EM32 जो लॉन्च होगा जो 4G वेरियंट वाला वो स्नैपड्रैगन 720G के साथ देखने को मिल सकता है, और जो M32 5G वेरियंट वाला रहेंगे वो मीडिया टेक डायमेंसिटी वाले 700 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं हो जा रही, देखते प्राइस रेंज कब लगेगा, पहले तो सैमसंग गैलेक्सी EM42 लॉन्च हो जाए उसके बाद ही ये देखने को मिल सकता है। जारी वारी व्हाट्सएप की तरफ से, व्हाट्सएप का नया स्कैम देखने को मिला है, पिंक व्हाट्सएप, मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल मतलब लिंक आ रही है जिसमें से लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सएप पिंक हो जा रहा है, मगर उसमें जो पिंक होने के बाद मगर जो उसका प्रॉपर डेटा है पूरा लीक हो जाता है, मतलब प्रॉपर डेटा जो भी है किस थर्ड पर्सन के पास पहुंच जाता है, ऐसा कुछ मतलब स्कैम हो रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप पिंक स्कैम से बचिए और इस लिंक पे पिंक व्हाट्सएप पर कोई ध्यान न दे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना।